करते हैं तो सबसे पहले आपको गणेश प्रतिमा विराजमान मिल जाएगी। प्रभु गणेश जो कि शुभता और विघ्नहर्ता के सूचक हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखिए। जब आप राउतपुरा सरकार जाते हैं तो यहाँ की सुंदरता मन मोह लेती है। जैसे आप ये देखिए, मृत्यु शरीर को मार सकती है और अहम में आत्मा ऐश्वर्य अमर है, मृत्यु की हर एक सीमा से परे है। ऐसे कई जगह जीवन रूपी शब्द आपको मिल जाएंगे जो चेतना को उजागर करते हैं। बैकुंठ धाम के जैसे प्रभु भगवान विष्णु के पार्षद विजय और जय की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, दर्शन करने को मिलेंगी। ये विजय हैं और दूसरी तरफ ये जय हैं, जो कि आधा मेरा नाम है जय, मैं इनके नाम से हूँ। बाहर से घूमने वालों में ज़्यादातर स्कूली बच्चे होते हैं, जो कई स्कूल अपने टूर में राजपुरा सरकार को जरूर रखते हैं और अपने बच्चों को घुमाने यहाँ पर लेकर आते हैं स्कूली बच्चों को। और ये आप क्रीड़ा स्थल देख रहे हैं जहाँ पर नित्य व्यायाम आप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं संस्कृत शिक्षा ग्रहण करते हैं। सामने ये रामराज्य सरकार का मंदिर दिख रहा है आप, और ये है आस्था मंच जहाँ पर महाराज जी की आरती होती है, उनके शिष्य ग्रहण उनकी पूजा आरती करते हैं, वंदना करते हैं, और वंदना बड़ी प्यारी लगती है। जय गुरुदेवा, निरंजन रूपा जय गुरुदेवा, हनुमान जी महाराज की कृपा रही तो आज आपको परम पूज्य रविशंकर महाराज जी के दर्शन अपने ब्लॉग में जरूर करवाऊंगा। जय श्री राम। ये आप मानस मंदिर देख रहे हैं जहाँ पर निरंतर श्री रामचरितमानस का पाठ चलता ही रहता है। आप देख सकते हैं ये जो वक्ता रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, यह बिना देखे मौखिक रामचरितमानस कह रहे थे। राउतपुरा सरकार का दूसरा द्वार जो कि नंदी द्वार के नाम से जाना जाता है, इस द्वार में प्रवेश करते ही आपको छोटे छोटे मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं के दर्शन मिल जाएंगे। नंदी द्वार के ठीक सामने ही आपको जूता स्टैंड मिल जाएगा जहां पर आप जूते चप्पल रख सकते हैं और अंदर दर्शनों के लिए जा सकते हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो कार्यक्रम आयोजित चल रहा है, यह जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यह संस्कृत महाविद्यालय है जो कि उज्जैन के विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यहाँ पर राजपुरा सरकार धाम की तरफ से संस्कृत में शिक्षा दी जाती है। और ये रहे महाराज जी के दर्शन, रविशंकर महाराज जी के दर्शन, यह एक अपने आप में सिद्ध विभूति है। मैंने इनके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे इनकी साधनाओं के। हर हर महादेव, वीडियो में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, इसके बगैर ये वीडियो अधूरा है। अगर आप हर हर महादेव नहीं लिखते तो ये वीडियो अधूरा है। हर हर महादेव जरूर लिखें। अब आपको कथा पंडाल के दर्शन करवाने जा रहा हूँ मैं, जहाँ पर कथा चल रही है। इसमें यह है श्रीमद् भागवत कथा द्वार जिससे जाने का रास्ता है आगे। जहाँ पर कथा चल रही है भेज रहा हूँ मंडे भेजूंगा मंडे। राजपुरा सरकार महाराज जी रविशंकर महाराज जी का सानिध्य है। कथा पंडाल कथा चल रही है, कथा पंडाल में ये तो अभी कथा, मतलब कथा का विश्राम हो गया शाम के समय, मैं लेट हो गया थोड़ा। बाकी मैं और मंदिरों के दर्शन करवाता हूँ आपको। राजपुरा सरकार धाम का सबसे बेस्ट व्यू और आकर्षण का केंद्र महादेव की मूर्ति, महादेव की प्रतिमा। पिछले ब्लॉग में मैंने महादेव की मूर्ति को 70 फीट की बताया था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी
हालांकि मैंने लोकल लोगों से बातचीत करके पूछ लिया था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सत्य नहीं बता पाया था। इस बार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं महाकाल बाबा की, ये 85 फुट की मूर्ति है और सामने बीच में कश्यप है और पास में नंदी भगवान है। मैं आपको इनके और पास से दर्शन करवाता हूँ। ये जगह रातपुरा सरकार धाम में चार चांद लगा देती है और महाकाल के और नज़दीक से आपको दर्शन करवाता हूँ। हम आ चुके हैं नंदी द्वार के सामने, जो कि छोटे छोटे जो मैंने मंदिर आपको शुरू में बताए थे यही मंदिर हैं। इन मंदिरों में समय न गंवाते हुए मैं आपको मुख्य मंदिरों के दर्शन करवाते जाऊंगा, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, यह 51 शिवलिंग है लगभग। भोले बाबा बुद्ध, परमहंस रामकृष्ण महाराज जी। बने रहिए ब्लॉग के अंत तक, हम आपको संपूर्ण रावतपुरा सरकार धाम के दर्शन करवाएंगे। ये आप शंकर भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, जो कि बड़े सुंदर लग रहे हैं। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं, यह पुष्करणी तालाब है। ये आप देख रहे हैं रावतपुरा सरकार धाम, और ये जो सामने दिख रहा है मंदिर, छोटा वाला मंदिर, इसके ये छोटा वाला मंदिर ये हनुमान जी का है, और इसके पीछे जो बड़ा मंदिर है वो रामराजा सरकार का मंदिर है। तो इन दोनों के दर्शन मैं आपको करवाता हूँ। और छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे यहाँ पर और काफ़ी सारे सुंदर हैं। सभी महासंतों महापुरुषों की यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हैं, अपने आप में अलग ही एक आध्यात्मिक स्थान बना देता है, आध्यात्मिक वातावरण बना देता है। जब भी आप इंटर करते हैं रावतपुरा सरकार में, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम। फिलहाल ये शाम के समय का व्यू आप देख रहे हैं रावतपुरा सरकार का, और नए साल में ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगा अंग्रेजी नंबर्स में, ये वीडियो पोस्ट करूँगा 1 जनवरी 2023 को। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो बड़े ही रोचक तरीके से ये सारे दर्शन करेंगे। तो आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको दिखाता रहता हूँ और जगह जगह जाकर हिस्टोरिकल आध्यात्मिक जगहों पर ले जाकर आपको सभी को दर्शन करवाता रहता हूँ। ये जो आप पदचिन्ह देख रहे हैं, ये सिद्ध गुरु महाराज के हैं पुष्करणी। बहुत सारे शिवलिंग फिर से, हनुमान जी महाराज की दर्शन हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दर्शन हो गए हैं हनुमान जी महाराज के, अब आपको इनके पीछे भी हनुमान जी महाराज के दर्शन मिलेंगे। हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित है, क्योंकि यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं इधर, ये रामराजा सरकार का मंदिर है। रामराजा सरकार से हनुमान जी महाराज ने आदेश दिया था कि रामराजा सरकार को हम पीठ नहीं दिखा सकते हैं, तो उनके सामने भी एक हमारी मूर्ति स्थापित कीजिए, महाराज जी को आदेश हुआ था। उन्हीं हनुमान जी महाराज के आदेश से ये एक और मूर्ति हनुमान जी महाराज की स्थापित की गई है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं बालाजी महाराज। जय श्री राम जरूर लिखिएगा इनके चरणों में, और आत्मिक मानसिक रूप से आप उपस्थिति दर्ज कराइए बालाजी के श्री चरणों में, और जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम रूपी पुष्प इनको अर्पित कीजिए। अब मैं आपको ले जाता हूँ रामराजा सरकार के दर्शन करवाने के लिए, रामलला के दर्शन करवाने के लिए, जो कि यहाँ का दूसरा मुख्य मंदिर है। अब आप दर्शन कर लीजिए ओरछा के राजा रामराजा सरकार के दर्शन। ओरछा के राजा
राम राज्य सरकार की तरफ से। आप कह रहे हैं विश्व में ओरछा एक ऐसी जगह है जहां पर प्रभु श्री राम राजा के रूप में विराजमान है। दिन में राजा का काम है ओरछा में देखते हैं और रात्रि अयोध्या में बसते हैं। राम राजा सरकार के आपको दर्शन करवा दिए हैं, अब आपको करवाता हूँ। क्यों इधर शारदा माता है ना, राजराजेश्वरी माता है, यहाँ से निकल जाएंगे ना। राजराजेश्वरी माता जी का मंदिर है, उनके भी आपको दर्शन करवाऊँगा। और बने रही वीडियो के अंत तक, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो देखने लायक हैं और बहुत आनंद आता है यहाँ पर घूमने में। शाम का समय है तो और अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पर आते थे रामराजा सरकार के पीछे, इस जगह पर अगर कभी आते हैं तो यहाँ पर सिक्कत ऑटोमेटिक चिपक जाता है। कभी कभार बाई चांस अगर आप ट्राई करते हैं तो सिक्का चिपकता है। कहते हैं जिसका सिक्का चिपक जाता है उसकी मन्नत पूरी होती है, ऐसा कहते हैं लोग। हो सकता है आप भी चिपकाइए और आपकी भी मन्नत पूरी हो। एक बार और महादेव महाकाल के दर्शन करवाता हूँ आपको। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अंग्रेजी नववर्ष में ये वीडियो आप देख रहे होंगे, तो 2023 में इंटर कर चुके होंगे। और राजराजेश्वरी माता जी का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं माँ जगदम्बा। और अब मैं आपको यज्ञ वेदी, यज्ञ हवन वेदी कुंडली की दर्शन करवाता हूँ। ये हमारे सामने यज्ञशाला है, यहाँ पर यज्ञ वगैरह होते हैं जब कोई अनुष्ठान वगैरह होता है। और तिरुपति बालाजी, ये हो गए आपके तिरुपति बालाजी। अब हम चलते हैं बाहर की ओर क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। और महाराज जी के दर्शन मैंने आपको करवा दिए हैं, महाराज जी के दर्शन हो पाए, थोड़ी उनसे बात भी हुई। लेकिन महाराज जी ने पूछा आप क्या कर रहे हो, मैंने महाराज जी की तरफ कैमरा तो नहीं कर रखा था। मेरे से संबंधित जुड़ी एक कहानी है उनको मैं वो सुना रहा था, याद दिला रहा था। तो जैसे ही मैंने उनको वो कहानी सुनाई, मुझे एक समय में शारीरिक पीड़ा थी, पैर में कुछ दिक्कत थी। तो एक समय महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ ठीक हो जाओ, तो उस समय महाराज जी का आशीर्वाद फलीभूत हो गया था। उसी आशीर्वाद की कहानी मैं उनको सुना रहा था कि महाराज जी आपकी कृपा से मेरे शरीर में जो बाधा थी वो समाप्त हो गई और मैं ठीक हो गया। तो महाराज जी ने प्रभु को धन्यवाद दिया और मेरी तरफ आशीर्वाद का हाथ भी बढ़ाया। और ये नंदी द्वार है, शाम का समय काफ़ी डिसेंट लग रहा है, रोशनी से जगमगा रहा है सभी चीज़ें। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, क्या बात है। लाइक किया करो, कमेंट किया करो, बताया करो भाई कि कुछ दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है, ये सब सारी चीज़ें बताया करो तो मैं आपके लिए आप ये सब सारी चीज़ें कर सकूं। ठीक है, मैं लेट भी हो गया काफ़ी सारा। जय श्री राम। ब्लॉक समाप्ति की ओर है, हम गेट से आउट एग्जिट हो रहे हैं बाहर रावतपुरा सरकार से। जहाँ तक मैंने पूरा ब्लॉग बना लिया है, शूट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री रावतपुरा सरकार धाम जरूर लिखिएगा। और तो अब हम अपन चलते हैं एक जगह छोटू के पास, जिसके पास पिछले वीडियो में हमने चाउमीन खाई थी, इस बार भी हम उसके पास चल रहे हैं। चाउमीन ही खाएंगे, चाउमीन का ही ऑर्डर देंगे। और मुझे लगभग यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जाना है, गांव है मेरा, तो गांव भी जाऊँगा। अभी मेरे पास कोई साधन नहीं है, बाइक वगैरह कुछ भी नहीं, गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है। भैया मुझे यहाँ पर छोड़ के गए थे, वो दतिया चले गए। ये आ गए देखो, इसके छोटू के किले के पास में। भाई क्या खिलाओगे आज, जो आपको खाना। पिछली बार चाउमीन खाया था, आज फिर से चाउमीन खिला दे भाई, अच्छी बना रहा है, कम मिर्ची, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालना बस। ठीक है भाई, यहाँ पर रामपुरा सरकार के इसके पास आके आप खा सकते हैं चाउमीन वगैरह।
काफ़ी अच्छी बनाता है। पिछली बार भी पिछले ब्लॉग में मैंने खाया था इसके पास, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ब्लॉग का एंड करता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी। ये जो मंडली है ये मोरवानीपुर की है, और यहाँ पर कुछ कार वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। जय राजपुरा सरकार की, जय राजपुरा सरकार की, जय राजपुरा सरकार की, जै।